अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। अब हम बच्चों की बात करेंगे। हमारे जो देश में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके नौवीं और ग्यारहवीं की कक्षाओं के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे इस टाइम प्रेशर में हैं कोरोना के कारण। लगभग स्कूल जो है लेट खुले और ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही, फिर बीच में दोबारा बंद हो गया और उसके बाद फिर से जब अब ओपन हुए हैं, अब बच्चों के सिर के ऊपर सिलेबस और पेपरों की टेंशन है। बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तो बातचीत चल ही रही है। CBSE ने अपनी डेट जारी कर दी है, 26 अप्रैल से पेपर है। कोर्ट में केस चल रहा है कि ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन। एक बिल दाखिल की गई है जिसमें डिमांड कर रहे हैं पेरेंट्स की बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन मोड से लिए जाए। अब रह गए हमारे नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के बच्चे, इनके एग्ज़ाम्स अब किस मोड में होने वाले हैं। हम तीन बातों की विषय बात करेंगे। सबसे पहले कि पहले पेपर कब होने वाले हैं, दूसरी बात हम बात करेंगे कि इनकी डेट शीट कब आएगी, और तीसरी बात करेंगे क्या इनके पेपर ऑनलाइन संभव है या नहीं। तो इन तीनों बातों के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये स्पेशल काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। पंजाब के बच्चे पूछ रहे थे, हिमाचल के बच्चे पूछ रहे थे, अन्य बोर्ड के बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक एक करके सभी बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश के बच्चे जो है नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में जो पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स जो है लगभग मार्च के 15 के बाद स्टार्ट हो सकते हैं, 20 और 21 के आसपास हो सकते हैं एग्ज़ाम्स आपके प्यारे बच्चों। और हम अब बात करते हैं हिमाचल, हमारे से सटे हुए राज्य हमारा हिमाचल बोर्ड। हिमाचल बोर्ड के जो है एक अपडेट आई है, तो ये सारे अपडेट्स से मैं बता रहा हूँ, सारी अपडेट्स को पहले समराइज़ किया उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनके लिखा गया है, आप चेक भी कर सकते हैं, HP BOSE, तो वहाँ पर 8 मार्च की डेट दिखाई जा रही है। 8 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की भी अपडेट आई हुई है। यूपी बोर्ड के अभी क्योंकि इलेक्शन भी चल रहे हैं वहाँ पर, तो 3rd week of March में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 3rd week of March। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बोर्ड है mpbse.nic.in, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से सारे नोटिसेस से मैंने ये वीडियो डिटेल बनाकर फिर ये बात करी है। 15 और 16 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं, और कब तक चलेंगे, लगभग एक महीने की बात चलेगी, और 12 और 13 अप्रैल तक ये पेपर हो सकता है। लगभग एक महीना का समय लग जाता है, पूरी डेट शीट होती है। बोर्ड की तरह ही एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ फ़र्क होता है कि स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो ये तो थी हमारे, हमने 4 बोर्ड्स की बात करी, और भी अन्य राज्यों की जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगे, राजस्थान हो गया और हमारे इधर गुजरात हो गई, दिल्ली बोर्ड हो गई, इनकी बात में भी आपको बताएंगे। पंजाब के बच्चों की भी बात हम कर लेते हैं। पंजाब के इलेक्शन के तुरंत बाद, जैसे कि इलेक्शन तो हो गया है, अब उनके भी जो मार्च के 1st week में या 2nd week में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब बात करेंगे डेट शीट। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड के जो उनके बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड जिसे बोलते हैं, उनके एग्ज़ाम्स अलग अलग डेट्स पे है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 दिन पहले आपकी डेट शीट्स आ जाएंगी। जैसे जैसे मैंने डेट्स बताई है, तो 10 दिन पहले आपकी सभी की डेट शीट्स आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि 26 अप्रैल से CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, तो एक बिल दाखिल की गई है जिसकी 21 तारीख को सुनवाई थी। तो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड से लिए जाए, तो इसका असर इधर भी रह सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, सर्कुलेट करें, और डिमांड जैसे अगर बनती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती, ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि यू वांट ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स, तो वोट करनी है आपने। मैं अपनी उसमें भी कम्युनिटी सेंटर वाले पेज पर भी डाल दूंगा, यू हैव टू वोट। एंड ये जब कलेक्टिवली जब डिसीजन होगा, देन वी कैन फाइट टुगेदर टू गेट द थिंग्स डन। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के बच्चों के एग्ज़ाम्स की अपडेट। तो कैसी लगी वीडियो ज़रा बताना है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।